अलग अलग जगहों से अलग अलग खबरें आती है कि CBSE बोर्ड के जो नतीजे हैं वो आज जारी होंगे, कभी कल जारी होंगे, अलग अलग तारीखें सामने आ रही हैं। और इस चीज़ को लेके जो सबसे ज़्यादा परेशान हैं वो छात्र हैं, वो छात्र जिन्होंने इस बारी 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम दिया है। खास करके 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें परेशानी ज़्यादा है, क्योंकि दावा ये किया जाता है, जैसे आज सुबह से ही हम बात करें तो दावा ये किया जा रहा था कि कुछ ही घंटों में CBSE 12वीं के नतीजे घोषित करेगा। किस वेबसाइट पर, कहां पर जाके चेक कर सकते हैं, तमाम रिपोर्ट्स यहां पर सामने आई थी, लेकिन शाम होते होते ये तय हो गया कि नतीजे जारी अभी आज की डेट में नहीं किए जाएंगे। इसमें देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहता है, रिजल्ट कैसा होगा, पास होंगे, कितने मार्क्स आएंगे, क्या डिविजन होगा, तमाम तरह की परेशानी जो है, जो प्रेशर है वो उनके सिर पर क्रिएट रहता है। और लास्ट में होता ये है, नतीजे नहीं आए। खैर, ये एक मुद्दा है, और इस मुद्दे को लेकर जो CBSE के छात्र हैं वो ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं और लगातार वो मांग कर रहे हैं कि नतीजे तो जारी कर ही दीजिए। लेकिन इसके अलावा 12वीं क्लास के जो छात्र हैं उन्होंने एक और मांग यहाँ पर रखी है, बेस्ट ऑफ ईदर टर्म सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट जारी करने की मांग जो क्लास 12th के CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनकी ओर से की जा रही है। उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि जो 2021-22 के बैच हैं उनके साथ कई तरह की एक तरह से एक्सपेरिमेंट हम कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट किया गया है, और जिसकी वजह से जो छात्रों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है, ऐसा आरोप स्टूडेंट्स की ओर से लगाया जा रहा है। स्टूडेंट्स की ओर से लगातार यही मांग की जा रही है, और ट्विटर पर खास करके ये स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और हैशटैग बेस्ट ऑफ ईदर टर्म सब्जेक्ट वाइज को ट्रेंड करा रहे हैं। और मांग CBSE से यही की जा रही है कि एक तो पहले नतीजे जारी कीजिए, और नतीजे जो है वो इस तरीके से जारी कीजिए। दरअसल अगर हम 12वीं क्लास की बात करें तो दो टर्म में इस बारी जो एग्ज़ाम्स हैं वो हुए थे, एक ऑब्जेक्टिव वाइज, दूसरा सब्जेक्ट वाइज। अब छात्रों का यही कहना है कि जो बेस्ट हो उनमें से उसके मुताबिक रिजल्ट अगर जारी किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि देखिए 2020 के बाद से अब तक की बात करें तो कोरोना के कारण, क्योंकि शुरुआत में तो लॉकडाउन 1 ही रहा जिसकी वजह से उस बैच के छात्रों को काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन चीज़ें पटरी पर पूरी तरह से नहीं आ पाई है। पढ़ाई के सिलसिले में हम बात करें हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, छात्रों को कई तरह की दिक्कतें होती हैं, और ऑनलाइन क्लासेस के बीच बीच में भी कई बार सख्ती हो जाती है, और छात्रों को स्कूल आने के बजाय ऑनलाइन क्लास के ज़रिए ही उन्हें उनकी पढ़ाई जारी रही। अब तमाम चीज़ों के बीच स्टूडेंट्स परेशान हैं कि आखिर उनका रिजल्ट आएगा तो कैसा आएगा। हो सकता है कि एक टर्म का जो एग्ज़ाम है वो अच्छा हुआ, दूसरे टर्म का बुरा हुआ हो, तो अगर कम्युलेटिव निकाल लेंगे तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए मांग की जा रही है कि जो बेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट जारी हो, जिससे कि उनका जो भविष्य है वो अधर में न लटके, उनका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा चले। अब 12वीं के बाद क्योंकि अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स को जाना होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाना होता है, कटआउट्स अलग अलग निकलते हैं, इसलिए छात्रों की ओर से यही मांग की जा रही है। CBSE के साथ साथ जो HRD मिनिस्ट्री है वहाँ तक ये गुहार लगा चुके हैं, एप्लीकेशन दायर की गई है कि कृपया करके जो कम्युलेटिव ना निकालें, बेस्ट ऑफ ईदर टर्म सब्जेक्ट वाइज अगर रिजल्ट निकालेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। हालांकि रिजल्ट कब तक आउट होगा, 10वीं की हो चाहे 12वीं की बात, CBSE बोर्ड की, अभी तक कोई पुख्ता जानकारी इसके बारे में नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये तय हो गया है कि आज फिलहाल रिजल्ट नहीं आने वाला है। हालांकि सुबह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि रिजल्ट तो आज ही आएगा, लेकिन आज रिजल्ट नहीं आया। एक बार फिर छात्रों में मायूसी दिखी।